मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको गिवन चीजें हैं, रेंज बतानी है, 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, इसके रेंज बतानी है। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। और सुनिएगा बात को ध्यान से, 10 के अंदर कोई चेंज है तो बाहर नो चेंज होगा, हमारी बातें हो गई है। साइन उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, फंक्शन में कुछ चेंज हो रहा है, रेंज नो चेंज होगी? हाँ बिल्कुल सर होगी। तो सर ये रेंज की आप बात कर रहे हो तो 10 की रेंज क्या होती है? ये सर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होती है। तो सर फिर 10 पाई बाई 4 माइनस x की रेंज बता दीजिएगा। सर ये भी आपकी माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होती है। जब हम स्क्वायर कर देते हैं, तो नेगेटिव क्वांटिटी रिमूव हो जाती है, पॉजिटिव क्वांटिटी से स्टार्ट होता है। और पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं हम। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब होता है कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, और नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आपकी जीरो होती है, मतलब उसमें नेगेटिव उठा दिया जाता है। तो सर इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज हो जाएगी आपकी जीरो से इन्फिनिटिव। इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? जीरो से इन्फिनिटिव।